और इनुज कर सकते हैं इनके, इनो चले गए तो और कोई नहीं कर सकता। और एक दूसरा सीधा मैं पैदा होना पैदा करने के लिए, इतनी हिम्मत का काम करने के लिए, न्याय दिलाने का काम करने का। सिर्फ बीजेपी के लोग अगेंस्ट किए हैं, बल्कि कुमार स्वामी जो जेडीएस का अपने आप को सेकुलर पार्टी का बोलता है, उन्हें भी अगेंस्ट किया है। और हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बड़े जात के लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। उनके उनके दिमाग में क्या है, छोटे लोगों को उनका हक नहीं मिलना। सिद्धरामैया साहेब वर्गे कांग्रेस पक्ष के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्गे, यानी 28 जनवरी को चित्रदुर्गा में एक बहुत बड़ा शोषित समावेश होने जा रहा है। ये समावेश कर्नाटक के ओबीसी शोषित और माइनॉरिटी लोगों के लिए है। इसमें जस्टिस कांतराज वर्दी रिपोर्ट को रिलीज करने के ताल्लुक से तमाम अवाम की तरफ से डिमांड हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को सीएम साहब के सामने डिमांड रख रहे हैं। अगर ये कांतराज वर्दी रिलीज़ होती है तो हम तमाम कर्नाटक स्टेट के शोषित वर्ग के लोगों को, छोटे छोटे समुदाय के लोगों को, उनकी क्या संख्या है हमारे स्टेट में, ये मालूम होता है ऑथेंटिक तरीके से। अगर किसी की संख्या मालूम होती है तो उसके लिहाज से बाद में जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम गवर्नमेंट बना सकती है। मैं अभी किसी बैठ में बोला कि अगर किसी इंजीनियर को आप एक प्लाट पे प्लान बनाओ बोलते हो, नहीं इंजीनियर बोलता है इसका साइज़ कितना है, ये कितने स्क्वायर फीट है, पूछता हूँ। जब तक स्क्वायर फीट मालूम नहीं होगा तो उसका प्लान कैसा बनता। तो हमारी संख्या जब तक मालूम नहीं होंगी तो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए क्या गवर्नमेंट प्लान बनेगी। तो जब तक हमारी संख्या मालूम होंगी तो गवर्नमेंट सही तरीके से हमारे डेवलपमेंट के स्कीम बनाएंगी, प्लान बनाएंगी और आगे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। अब तक 70 साल से ऐसे ही कुछ बहुसंख्यक लोग जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हमको नज़रअंदाज करके अपने ही प्रोग्राम बना लिए हैं, अपने लिए सब जो कुछ करना है कर लिए हैं। अब जिसके जितनी संख्या होती है उसके हिसाब से उनको प्लान मिलना, उसको गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलना और सबको सोशल जस्टिस मिलना, ये उद्देश्य ये समावेश में हमारा तमाम लोगों का जो 5 लाख लोग जमा हो रहे हैं वो लोग सीएम साहब के सामने अपना डिमांड रखेंगे। अगर ये मुकम्मल हो जाए, सीएम साहब इसको एक्सेप्ट कर ले और ये आ जाए, तो क्या माइनॉरिटी की जानिब से आने वाले एमपी इलेक्शन में फ़ायदा होगा? ये देखिए, अगर ये बेड़गड़े हो गया, रिलीज हो गया, गवर्नमेंट के पास उसके टेबल किए, इस पर डिबेट हुआ, डिबेट होने के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ली ये सही है, इसके ऊपर हम काम करेंगे बोल, तो इसका ना सिर्फ माइनॉरिटी बल्कि तमाम समाज के लोगों के लिए फ़ायदा है। क्योंकि अब फर्ज कीजिए माइनॉरिटीज़ का हमारा 4% रिजर्वेशन है, ऑथेंटिक रिपोर्ट में अगर 12% हैं हम बोल के आया तो हम 12% पूछ सकते हैं हमारा रिजर्वेशन, हमको पूछने की जगह मिलती है, ऐसा हर समाज के लोगों को पूछने का मौका मिलता। ये गवर्नमेंट में ये हो सकता खंडित, क्योंकि इनके सिद्धरामैया साहब के दिमाग में चाहिए, उन्होंने शुरू किए थे करना बल्कि, और इनुज कर सकते हैं इनके, इनो चले गए तो और कोई नहीं कर सकता। और एक दूसरा सिद्धरामैया पैदा होना पैदा करने के लिए, इतनी हिम्मत का काम करने के लिए, न्याय दिलाने का काम करने का। ऑलरेडी उन्होंने अगेंस्ट किए हैं, ना सिर्फ बीजेपी के लोग अगेंस्ट किए हैं बल्कि कुमार स्वामी जो जेडीएस का अपने आप को सेकुलर पार्टी का बोलता है, उन्हें भी अगेंस्ट किया है। और हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बड़े जात के लोग अगेंस्ट कर रहे हैं। उनके उनके दिमाग में क्या है, छोटे लोगों को उनका हक नहीं मिलना। 70 साल 75 साल से महरूम है, आगे भी नहीं मिलना उनको, आगे भी नहीं मिलकर उनके दिमाग में, इसलिए उसको पेंडिंग करने का बोल रहे हैं। अगर पेंडिंग हो जाए तो क्या माइनॉरिटी के वोटें जो है वो क्या कांग्रेस की तरफ आ पाएंगे? ये देखिए, पूरे स्टेट के माइनॉरिटीज देख रहे हैं सिद्धरामैया साहब को, सिद्धरामैया साहब सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं और सिद्धरामैया साहब ही इसको वर्दी बनाए, कमीशन बनाए, इसकी रिपोर्ट दिए बोल के, और उन्होंने नेक्स्ट टाइम सीएम बनने के बाद सबसे पहले अनाउंस किए मैं इसका रिलीज़ करता हूं और उसको इम्प्लीमेंट करता हूं बल्कि। उन्होंने तो अपना राय जाहिर करे, मगर कांग्रेस पार्टी के ही कुछ मिनिस्टर्स एमएलएस जो है उनको इसको नहीं करना बोल के दस्तखती मुहिम चला करके पेश करे सीएम के पास। अब ये क्या है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम रहता, वो नहीं करना बोल के लोग ज़्यादा बोले तो करना बोल के लोग क्यों खामोश बैठना जिनको होना है। तो हम तमाम लोग जितने लोग वहाँ जमा हो रहे हैं, ये होना बोल के बोलने वाले लोग हैं। 5 लाख लोग अगर से मिल के बोलेंगे ये कांतराज वर्दी रिपोर्ट जारी होना, इम्प्लीमेंट होना बोल के बोले, तो पहले से सीधा में तो तैयारी है, उनको भी एक हिम्मत आती, मेरे पीछे लोग हैं, अवाम है बोल के, और पक्का कर। लास्ट सवाल आपसे, जो भी लीडर अगर कोई प्रोग्राम में हो या ऐसे कोई मीटिंगें हो वहाँ पर जाते हो तो कहा ये जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी के एमपी की टिकट लेने के लिए आए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
देखो साहब, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। पॉलिटिकल आदमी रहने की वजह से कि मैं कहीं भी गया तो लोग उसको पॉलिटिकल नज़र से देखते हैं। अब सही बात है, पॉलिटिकल आदमी हूँ तो मैं आकांक्षी हूँ। MLA का टिकट का टाइम आता है, MLA का टिकट का आकांक्षी था, पार्लियामेंट का तो उसका आकांक्षी हूँ। लोग बोलेंगे उसमें क्या गलत,